खाना बना दे यार, बड़ी भूख लग रही है, हारमोनियम बज रहा है भूख के मारे। अबे ओए, ये कसम वाला ऑर्डर देना बंद कर दे, मैं तेरी बीवी ना हो रखता हूँ। भाई पत्नी के हक से नहीं बोल रहा, दोस्त के हक से बोल रहा हूँ। भाई भूखा बैठा है, खिला दे यार, जल्दी कर। अबे जल्दी कर तो रहा हूँ, तू क्या चाहता है कि मैं खुद स्टॉप पे बैठ जाऊँ? देख ले भाई, अगर उससे जल्दी बनता है तो कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुप, यू ब्लेडी फूल। क्या बोला? हंस रहा है, है? दांत निकाल रहा है, गाली दी है मैंने अंग्रेजी में। अंग्रेजी में गाली किससे सिखाई तुझे अंग्रेजी में? सुनीता जी ने सिखाई है, तेरे पल्ले ना पड़ी होगी। अच्छा, और क्या क्या सीख क्या है तू अंग्रेजी में वैसे? अबे बहुत कुछ सीख लिया मैंने। अच्छा, ट्वाइंकल ट्वाइंकल लिटिल स्टार अवर बंडर बाट यू वार। साले तू मुंह खोल दूंगा, मार बेटा, समझ नहीं आ रहा तेरी अंग्रेजी है? नहीं भाई, तेरी अंग्रेजी बहुत सही है। दान निकाल ला साले, बंडे गोइंग टू नर्क एंड खौलता तेल इमराज पकौड़ा बनाए, खौलते तेल में तेरे प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। नहीं समझा? नहीं। अरे यार, ये अंग्रेजी में गाली देने का मजा नहीं आता, वो तो हिंदी में ही सही रहता। अबे साले नरक में जाएगा तू, तुझे खौलते तेल में डाला जाएगा, मेरा तेरे पकोड़े बनाएंगे, तेरे प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, ऐसे बिज 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 होंगी। भाई दो मिनट शांत हो जा, फोन आया, ठीक है? जा खाना बना, चल जा, टमाटर काट जा। हेलो, हाय पंच, एला स्पीकिंग। हाय एला जी, कैसी हैं आप? आपने इस समय रात को फोन किया, सब ठीक? जी जी जी, बताइए क्या क्या हुआ, क्या है, कहाँ हैं आप? वो पांचम, मैं ना अब ये अकेले रोड पे खड़ी हूँ और मुझे बहुत 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 डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी खूबसूरती का कोई फायदा ना उठा ले। एला जी, आपको लग रहा है कि कोई आपकी खूबसूरती का फायदा ना उठा ले, हमें ये डर लग रहा है कि कोई आपको पूरा का पूरा ना उठा ले। आप इतनी रात को इस समय बाहर क्या कर रही हैं वैसे? वो मेरे होटल में किसी ने मेरे को बोला कि यहाँ पे ना बहुत 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 सुंदर तारे दिखते हैं, तो इसलिए मैं आ गई देखने। एला जी, आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए लोग दिन में भी तारे पेश कर सकते हैं, अगर आप कहें तो। पांच पांच में क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम्हें आ जाओ, मुझे मेरे होटल में छोड़ दो। क्योंकि I only trust you, तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। आप एला जी, आपने हमें इतनी इज्जत दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी आप पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना कि आप हम पर करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप हैं कहाँ, हम आते हैं वहाँ पर, आप हैं कहाँ? वो मैम तुम्हारा दुकान उसके पास, उससे थोड़ा सा आगे मैं हूँ। जी हम बस अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने पेश होते हैं। अच्छा जी एला जी, चलिए बाय। जी जी जी, ओके बाय। लालची चीचा जी, फिर उनके लालच में थोड़े भागे चले आ रहे। देख ले लू, लाइफ में टंटे हो रखे हैं तेरी। नाचे। एला जी आप ठीक तो हैं? हमारी तो दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, आप कुछ हुआ तो नहीं ना? ओह आम जी, तुमको मेरी इतनी चिंता? जी। ओ क्या बात है। नाचे। ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल अपनों की तो चिंता होती है ना, है ना? और अगर आपको एक भी खरोच आ जाती ना एला जी, हमारी जान निकल जाती, हम कसम से कह रहे हैं। तुम्हारी बात तो सुन के तो मुझको चिंता हो रही। एला जी जैसा कि हमने कहा, हम आपके अपने हैं ना, तो आपको भी चिंता होगी। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आई नो कि मैं तुम्हारा, तुम मेरा इतना अपना क्यों है। एनीवे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पांच। जी एला जी कहिए, हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे मन की बात कहने जा रहे हैं। यस
पांच तुम बिल्कुल वैसे लड़के जैसा मैं खरीदने को आई, मतलब जैसा लड़के ढूंढने को आई। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सच कह रही हैं लाजी। यस यस। अच्छा पांच, हाँ? मुझे तुम इतना पसंद कि तुमको लंदन ले जाने को चाहती हूँ। तुमको तुमसे शादी, I mean, will you marry me, please? नहीं अलाजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। है? अब क्यों? क्यों नहीं कर सकते? heartbreak. नहीं अलाजी, heartbreak नहीं हुए। हमारा मतलब है heartbreak नहीं हुआ है, वो दरअसल क्या है कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, नहीं तो हम आपके साथ चल पड़ते। हमारा बस चले तो हम तो प्लेन के पीछे रस्सी लगा के लटकते हुए आ जाएं आपके पीछे। हमें आप मतलब क्या बताएं, माशाल्लाह आप तो ऐसा लग रहा है कि तुम मरे जा रहे हो हमारे साथ इंग्लैंड आने के लिए। कह सकते हैं। आप एला जी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारे कुछ दोस्त हैं वो जुगाड़ कर देंगे, कल सुबह हम उन्हें कॉल कर देंगे, हो जाएगा, कुछ देख लेंगे पासपोर्ट का। आप फिलहाल क्या है कि हम सोच रहे थे कि आपको आपके होटल तक छोड़ देते हैं। होटल? हाँ। क्यों क्यों? एला जी इतनी सुहानी रात है, इतनी खूबसूरत रात है और इस रात में No, हम खुद जाएंगे, हटा खुद जाएंगे, ओके बाय। अब एला जी, हम हिंदुस्तानी अगर एक बार किसी का हाथ थाम ले तो इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है, और आपसे तो हमारी शादी होने वाली है। चलिए ना आपके रूम पे चलते हैं, कॉफी पियेंगे कॉफी। रिलैक्स रिलैक्स पंच, कम डाउन। क्या? हाँ वो बहुत रात हो गई, तुम घर जा, हम हटाल जाएगा, फिर कल दुकान में मिलेंगे, ओके बाय बाय। एला जी पर क्यों, अब हम चलते हैं ना, अब मतलब हम आपको गाना सुना देते हैं, वो क्या है कि हमने आपके लिए एक गाना लिखा है, कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहते हैं। नहीं प्लीज प्लीज मत सुनाओ, कोई गाना भी सुना कल छोड़ेंगे, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हमने दिल से आपके लिए बनाया है एला जी, सुनिए तो। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज तक हमने जो भी सीखा है ना, अब उसका टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ अच्छे से करना। तो हम ना आपसे शुरू करेंगे पिंटू भाभी। मामा जी, आपने क्लास में चश्मे क्यों पहने हुए हैं, उतारिए। ऊपर हीरो बने तो मुझे अपना के? हीरो बने बैठे। तो पिंटू भाभी, आपका क्वेश्चन है, आई के बाद क्या होता है? ये तो बहुत आसान सो है, हम ऐसे खट से बता देंगे। आई के बाद नो जाती है, सबको पता है, कुछ कठिन पूछिए आप हमसे। पिंटू भाभी, आई के बाद जे आता है। जे? हाँ दीजिए अपना। हाँ देखिए। मैं बताऊँ सच्ची, मुझे ना हमारा फ्यूचर थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, खड्डे में ही है सब कुछ। सुनीता जी, एबीसीडी तो बच्चों को सिखाते हैं, आप तो हमें सिर्फ अंग्रेजी बोलना सिखाते क्यों जी? यस छटंकी भैया, आई अंग्रेजन, इलायची के पापा, लट्टू डांस मेरे चारों तरफ। तरफ से रिमेंबर, लंदन की तरफ की टिकट वेरी महंगी, इसलिए तू कुछ हेल्प, आई गो इंग्लैंड, तेरा पैसा सेंड। भैया इलायची के पापा गुस्सेल, यू गो, आई नो गो, इलायची के पापा गुस्से से इधर उधर गो। देख लेंगे जीजा को, ऐसा क्या? सुनीता जी, अब जिनकी अंग्रेजी ना सुन रही हो, देखो ना मेरे कान छेद हो गए इनकी अंग्रेजी सुन सुन के, इनसे ना कुछ कहोगी? एवरीवन क्वाइट। काइट कहाँ उड़ाएंगे भाई? काइट तो फ्लाइंग ओनली सावन, क्यों जी जी? यस मामा जी, यार क्वाइट काइट नहीं। मामा जी क्या कर रहे हो? अब तो संती सूती मामा जी, बीटिंग बीटिंग बनाएंगे तंबू। पिंटू भाभी आप तो ना चुप करके बैठ जाओ, आप तो मत ही बोलो, मार दूंगी आपको सच्ची। के लिए
क्लियर। ऐसे नहीं मानने वाले ना आप। हाथ दिखाओ। देख लो। फिर से दिखाओ। क्या चल रहा है साहब? बंद करो ये सब। कोई अंग्रेजी ना पड़ेगा, बहुत पढ़ लिया अंग्रेजी। अरे जीजा जी, अभी तो गुड़गांव तक नहीं पहुंचे, अभी तो हमको लंदन जाना है अंग्रेजी में। क्यों सन, तू किसी अंग्रेज के कंधे पे लंदन जाने जरा, और मेरे सामने तो देखना ही छोड़ दे। मैं तो तुझे एयरपोर्ट तक की बस का किराया ना दूं। बात कर रहा बेकार की। तो तुम्हारे कंधे बैठ के चले जाएंगे इसमें कौन? देख रहा, बात कर रहा बेकार की। बहाले बहाले बहाले, यहाँ जमना बहाले बहाले खूब, उसमें नाव ये चला लेगा। मैंने फैसला कर लिया है, कोई अंग्रेजी ना सीखेगा, समझ में आया, और ना कोई बाहर जाएगा। कसम सेल्फी, चल ये हटा, यहाँ से हटा, ये सब सब हटा ले। हाँ जी अंकल जी, मुझे तो ना वैसे भी नहीं पढ़ानी इनको इंग्लिश। थैंक यू। और पिंटू भाभी वेरी बैड। मिसेस टंटन। सर जी पंचम। हाँ पंचम, आपको अंग्रेजी सीखनी है ना, तो पीछे मुड़ के देखो, दिख रहा है वो दरवाजा, वहां से निकल जाओ, जाओ वहां सीखो अंग्रेजी, जाओ। ना ना सेठी जी, बाहर जा, अंग्रेजी मुझे ना सीखनी, मैं तो मर जाऊंगी तब भी अंग्रेजी ना सीखूंगी। तू क्या घूर रहा है मुझे? अच्छे लग रहे हो आज। अच्छा लग रहे हम? तो ये बात अंग्रेजी में बोल के देखा, बहुत पढ़ 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 अभी सीख रहा था ना अंग्रेजी, ये बात बोल के देखा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, चल बोल। बता देंगे उसमें क्या है? Just shut up now, the fair man, the contrary, strictly bad that, come on here, one of the best country like that, your purpose is that, if you should have come on here, what this like, you're pretty, 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 you're very fantastic. You can go. Yeah, yeah. क्या अंग्रेजी बोले चटंकी भैया, इलायची के पापा की तो बोलते बंद कर दी। I understood you. ये जब भी तुम अंग्रेजी बोलते हो ना, मेरी बात समझ में नहीं आती, सबकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? हाँ, something better than nothing. है? हाँ, something better. एक बार फिर से बोलिए जरा। मेरी दुकान पे एक अंग्रेजन आती है, उससे बात कर लेगा तू? क्यों ना कर लेंगे, सबसे कर लेंगे हम तो सही है। अभी हमारे कब्जे में आ गया। एला जी कैसी हैं आप? क्या आपने हमें मिस किया? हमने आपको बहुत मिस किया, बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे। अब एला जी, हम आपको एक बड़ी खास चीज दिखाना चाहते हैं। Really? ये देखिए। For me? मेरे लिए? जी। लेकिन हम ये नहीं ले सकते। क्या हुआ एला जी? हम समझते हैं कि आपके देश में शादी के समय सफेद रंग का गाउन पहना जाता है, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे यहाँ पे सफेद रंग नहीं पहना जाता शादी के दौरान। आप फिक्र मत करिए, हम आपके लिए एक लाल कलर का गाउन सिलवा देंगे गोटा लगवा के। वो तो हम हैं। आप कुछ नहीं, वो एला जी हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ से इंग्लैंड बारात लेके जाएं, उससे अच्छा, मतलब देखिए अब आपका खर्चा होगा, आपका पैसा हमारा पैसा, हमारा पैसा आपका पैसा, एक ही बात है ना। तो हम ये सोच रहे थे क्यों ना हम शादी यहीं कर लें।
सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया। तो फिर तुमने बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए होंगे, है ना पंच? ओफो, एला जी, ऐसी बातें नहीं, पर हाँ हमने कर लिए हैं। देखिए, एला का एल, पंचम का पा, एल प्लस पा इज इक्वल टू एल पा, ये होगा हमारे पहले बच्चे का नाम। ऐसे हमने 10 और कॉम्बिनेशन तैयार रखे हैं। जी जी जी, सुनीता जी ने बिल्कुल अच्छा ना किया, क्यों तुक रख दिया मुझे बताओ? छटंकी मामा से कुछ नहीं बोला, भाट आ रही हो गुरिन में, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? लड़की नहीं देखी कभी? मेरी आंखें निकाल के मेरी गोटियां बना के बच्चों को दे दूंगी, जल्दी तो लो, टाइम ना मेरे पास, जल्दी को रखी मुझे। पिंटू भाभी, आप अभी तक नाराज हो मुझसे? अभी तक नाराज हो मतलब? आप तो ऐसे करें जैसे बचपन में मेरी पिटाई हुई है और अभी तक नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए थी। हाय हाय पिंटू भाभी, आप पे ना ये नाराजगी सूट नहीं करी, बाय गॉड। हाँ हाँ, हमें तो नाराज होना ही नहीं चाहिए, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ना हमारे दर्द होता, जिसे देखो भाई सूत के रख देता है, पटरी से सुताई हुई है मेरी। लेकिन इसमें क्या, कोई नई बात थोड़ी है भैया, करेला हो तो वो भी तोल दो, जिंदगी में ना सब कुछ कड़वा हो रखा है। अच्छा पिंटू भाभी, एक बार फिर से प्लीज अपना हाथ आगे कर दो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपका मन नहीं भरा हमारा हाथ सुझा के, अब क्या आप हाथ तोड़ के ही मानोगे? सुनीता जी, आप इतनी निर्दयी कब से हो गई हो? अरे पिंटू भाभी प्लीज ट्रस्ट मी ना, एक बार अपना हाथ तो आगे करो, कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। लो सुनीता जी, मैंने ना अपना हाथ आगे कर दिया, आपको जो करना आप कर लो। सॉरी पिंटू भाभी। ठीक है ठीक है, पक्का पक्का पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो, ये लौकी के साथ। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा, अरे मैं बता दूंगा ना। अब प्रणाम से। हाँ हाँ, खुश रहे, आ जाइए दुकान पर ही है, आ जाइए। सेठ जी, आंखें घुमा के देखिए, दुकान के बाहर ही खड़ा दिखूंगा। इरा हेलो, क्या है ना कि मैं टाइम से पहुंचने वाला पुलिस हो रहा हूँ, 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या है, आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको गिरफ्तार किया जाता है, यू आर अंडर अरेस्ट। पिंकी जी बोल रहे हैं। नो, हमने क्या किए? पिंकी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी कस्टमर है, यहाँ पर लहंगा खरीदने आई थी। देखिए, ये लहंगा खरीदेंगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ ये तुम सबको बेच के जरूर चली जाएंगी। ये ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये ऐसा, ये कोई फ्रॉड नहीं है। अच्छा, तूने स्वरंजन की कुंडली देख रखी है पूरी क्या? बात कर रहे हैं बेकार की। दरोगा जी, आप एकदम बेहिचक बगैर डरे हुए इसको धर लो। अरे मैं इसके होटल गया था, प्रिंसेस व्यू, वहां जाके मैंने पूछा, उन्होंने कहा यहाँ एला नाम की कोई लड़की ना रहती है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका खेल खत्म हो गया है। आप मुझे यह बताइए कि आपको बटर केक बनाने की रेसिपी आती है? हाँ? अबे काम कर ले ढंग से, वरना इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो ये कह रही हूँ सर कि आप तो इंटरनेशनल फेमस हो जाएंगे। हाँ वो तो है। अरे पकड़ लिया आपने, गिरफ्तार किया, ठीक से चलो लेके चलो अभी। नहीं नहीं रुक जाओ, अरे एक मिनट। क्या? अरे
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.